नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर की जो गिरिडीह से आ रही है, जहां फरार नक्सली तेजो मंडल गिरफ्तार कर लिया गया है। कई घटनाओं में वांछित था, पुलिस ने उसके साथी को भी पकड़ लिया है। चकाई और भेलुआ घाटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद, एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, क्या उससे पूछताछ में कोई और अहम जानकारी पुलिस को हाथ लग पाई है? देखिए, मैं बता दूं कि फरार नक्सली तेजो मंडल, जो कई हत्या और नक्सली वारदात में फरार चल रहा था, उस सूचना पर चकाए, जो बिहार के चकाए थाना पुलिस है और गिरिडीह की भेलुआ थाने पुलिस है, उन संयुक्त कार्रवाई कर बाइक से भाग रहे नक्सली को खदेड़ कर पकड़ा है। साथ में एक चालक, जो बाइक चालक था, उसे हिरासत में लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि कई मामलों में ना सिर्फ भेलुआ घाटी थाना पुलिस को बल्कि चकाई थाना पुलिस को भी इस नक्सली की तलाश थी, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस नक्सली की गिरफ्तारी के बाद कई मामलों का पटाक्षेप हो सकता है। जी, जाहिर तौर पर कई मामलों का और खुलासा हो सकता है। पुलिस जिस तरह से पूछताछ कर रही है गिरफ्तार नक्सली को, किस तरह से पुलिस को यह सफलता मिली? क्या पुलिस को कोई सूचना मिली थी या लगातार पुलिस उसे ट्रैप कर रही थी? देखिए, इस नक्सली की तलाश कई सालों से पुलिस को थी और गुप्त सूचना पर जब बाइक पर सवार होकर एक बाइक चालक के साथ यह नक्सली निकला था चकाई के रास्ते, तो इसकी सूचना पुलिस को मिली तो जाल बिछाया गया और बिहार की चकाई थाना पुलिस और गिरिडीह की भेलुआ घाटी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और उसे खदेड़ कर पकड़ा गया। तो कहा जा सकता है कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि जिस नक्सली की गिरफ्तारी हुई है उसे कई मामलों में भेलुआ घाटी और चकाई पुलिस तलाश कर रही थी, और ना सिर्फ उन मामलों को बल्कि कई जो हत्या की घटनाएं हाल के दिनों में घटित हुई है उसका भी खुलासा हो सकता है, ऐसी पुलिस संभावना व्यक्त की जा रही है। जी, जाहिर तौर पर जब उससे पूछताछ पुलिस अपने तरीके से करेगी तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सफलता और भी बड़ी हो सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, तमाम बातचीत और तमाम जानकारियों के लिए।